नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जिनका मेन पेपर जो है एजुकेशन का है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एजुकेशनल चैनल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक चैनल। अब शैक्षणिक चैनल का मतलब है कि सीखने और सिखाने से संबंधित ये चैनल है, यानी जिसमें टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, आदि आदि। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें हैं मेन आपका। एक है आपका ज्ञान दर्शन, एक है ज्ञान वाणी, एंड एडुसेट, यानी कि एजुकेशनल सेटेलाइट। तो ये तीन आपका जो सोर्स है एजुकेशन का, जो चैनल है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट पे ही डिस्कस होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेन कंटेंट है हम वो आपको देंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये एकदम बहुत ही बेहतर साबित हो। तो सबसे पहले आपका ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना, ये आपका टीवी यानी कि टेलीविजन चैनल है, और जिसका प्रसारण आपके दूरदर्शन भारती के द्वारा 24 घंटे होता है, 24 घंटे होता है। और यह जो है आपका प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी एजुकेशन का जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा और प्लस आपका माध्यमिक शिक्षा, प्लस आपका उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, और प्लस आपका जो है टेक्निकल एजुकेशन तकनीक शिक्षा, ठीक है, के लिए ये आपका जो ज्ञान दर्शन है ये प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम प्रसारित करता है 24 घंटे। और यह चैनल आपके एम एच आर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और प्लस आपका सूचना एवं संचार प्रसारण मंत्रालय, और प्लस आपका इग्नू IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया। ये चैनल आपकी MHRD, इग्नू और प्लस सूचना एवं संचार मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया। और इसके अंतर्गत दो चैनल आते हैं, ठीक है, यानी आपका ज्ञान दर्शन का दो चैनल है। अब हम बात करेंगे दोनों चैनल पे। एक है ज्ञान दर्शन फर्स्ट, एक है आपका ज्ञान दर्शन सेकेंड। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पे। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट चैनल है ज्ञान दर्शन, वो सामान्य शिक्षा से संबंधित क्या करता है, प्रोग्राम प्रसारित करता है, और जिसका प्रारंभ आपका 26 जनवरी 26 जैन 2000 को किया गया। और इसका जो नोडल एजेंसी है, जो इसके प्रसारण का कार्यभार संभालती है, वह आपका NCERT और प्लस CIET, ठीक है, ये है आपका NCERT और आपका CIET क्या है, आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्रारंभ में याद रखिएगा, प्रारंभ में ये 2 घंटे यानी दिन में 2 आवर प्रोग्राम प्रसारित करता था, और करेंटली तो आपका अब 24 आवर है, ये याद रखिएगा। अब याद करते हैं हम ज्ञान दर्शन 2 को। ज्ञान दर्शन 2 को अब याद करते हैं और रिकॉल करते हैं कि ये ज्ञान दर्शन 2 है क्या। तो जो 2 है ये तकनीक शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीक शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम प्रसारित करता है आपका ज्ञान दर्शन चैनल 2। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो 26 जैन याद रखिएगा 2003 को हुआ था। आपका फर्स्ट चैनल था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 2000 को, और ये आपका चैनल जो सेकेंड है ये 26 जनवरी 2003 को हुआ था। और इसका नोडल एजेंसी जो है वो IIT आपका दिल्ली ये है, यानी कि प्रसारण का जिम्मेदारी आज जो देखता है वो है आपका IIT दिल्ली। और देखिए, ज्ञान दर्शन का जो उद्देश्य कहें वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, यानी दूरस्थ शिक्षा से संबंधित लोगों को टीवी चैनल ये दिया जाए, जिससे शैक्षिक व सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसके लिए, ज्ञान दर्शन के लिए। अब थोड़ा सा जानते हैं ज्ञानवाणी के बारे में। ज्ञानवाणी, अब ज्ञानवाणी जो है यह FM रेडियो चैनल है, यह आपका FM रेडियो चैनल है, याद रखिएगा। यह आपका क्या था, टेलीविजन चैनल था, और यह आपका FM रेडियो चैनल है, कौन, ज्ञान वाणी, और इसको MHRD देखता है। एम
HRD के अंतर्गत आपका ज्ञान वाणी आता है और यह दूरस्थ शिक्षा के लिए समर्पित आपका रेडियो FM रेडियो चैनल है, याद रखना है आपको। और इसके अंतर्गत आपका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, याद रखिएगा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्लस आपका व्यावसायिक शिक्षा और प्लस आपका प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। किस पे? ज्ञानवाणी पे। याद रखना है आपको किस कौन कौन से किसके लिए प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्लस माध्यमिक शिक्षा प्लस टेक्निकल एजुकेशन तकनीक शिक्षा प्लस व्यावसायिक शिक्षा और प्लस प्रौढ़ शिक्षा, ये आपको याद रखना है। वह रोजगार से संबंधित, कैरियर से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित भी प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं ज्ञानवाणी पे। और याद रखिएगा ज्ञानवाणी स्टेशन की शुरुआत जो है, स्थापना हुआ वो 7 आपका नवंबर 2001 को हुआ था। स्थापना 7 आपका 7 नवंबर 2001 को हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर संचालन का बात किया जाए तो इसका संचालन जो था आपका 7 जुलाई 2003 को हुआ था। क्या याद रखना आपको कि इस आपका ज्ञानवाणी स्टेशन की शुरुआत 7 नवंबर 2001 को हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी और पूर्ण रूप से इसका संचालन 7 जुलाई 2003 को हुआ था। ये आपका दो चीज़ें हो गई, ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी। अब हम बात करेंगे एडुसेट पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एजुकेशनल सैटेलाइट। एडुसेट का फुल फॉर्म है EDU आपका है एजुकेशनल और SET आपका सैटेलाइट, ये हो गया। यह एक शैक्षणिक उपग्रह है और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, GSAT, GSAT 3 के हम नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि EDUSAT को ही हम GSAT 3 के नाम से जानते हैं और यह आपका एजुकेशनल सैटेलाइट है, यानी कि शैक्षिक उपग्रह है, शैक्षणिक उपग्रह है। और इसको किसने विकसित किया? इसको इसरो ISRO प्लस आपका इग्नू IGNOU इग्नू प्लस आपका MHRD ये तीन लोगों ने इसको कहें तो संचालित किया। और याद रखिएगा यह भारत का अपना पहला शिक्षा से जुड़ा हुआ आपका सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है, जिसको कब लॉन्च किया गया था याद रखिएगा 20 आपका SEPT सितंबर आपको याद रखिएगा 2004 को, 24 सितंबर 2004 को इसको लॉन्च किया गया था और फिर इसका नाम EDUSAT आपका रख दिया गया था, EDUSAT अर्थात एजुकेशनल सैटेलाइट। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है याद रखिएगा, इसका प्रमुख उद्देश्य है देश के अलग अलग जो पार्ट हैं, जितने भी अलग अलग सुदूर पार्ट हैं या हिस्सा है या भाग है, उनके शिक्षकों को और छात्रों को आपस में जोड़ना एक दूसरे से, किसके द्वारा? आपके सैटेलाइट के द्वारा। और ये आपका EDUSAT सपोर्ट करता है वर्चुअल क्लासरूम के लिए। वर्चुअल क्लासरूम क्या है? फिजिकल क्लासरूम जिसमें आप डायरेक्टली बैठते हैं, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, आपके पाठ्यक्रम होते हैं और आप वहाँ पे क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। बट ये सैटेलाइट के माध्यम से वर्चुअल है, यानी कि आभासी है, फिजिकल नहीं है। ये आपका टेक्नोलॉजिकल आपका वर्चुअल क्लासरूम है, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप घर पे बैठ के कहीं पे भी दूर बैठे हैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। और देखिए इसके द्वारा शिक्षक जो शिक्षक है एक साथ हजारों बच्चों को देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है, उसको नॉलेज दे सकता है। किसके माध्यम से? वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को कौन भेजेगा? EDUSAT भेजेगा। और इसमें छात्र जो है टीचर से क्या करेगा, सवाल भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और ये जो है ये प्रक्रिया है, ये दो तरफा संचार की प्रक्रिया है, या तो हम कहें ये आपका दो तरफा संचार का उपलब्ध संसाधन है, याद रखिएगा। ये आपका हो गया ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और EDUSAT। तो कहीं EDUSAT में पूछे यह संचार की एक मतलब एक तरफा प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा
ये एक तरफा नहीं दो तरफा प्रक्रिया है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि वन वे आप समझ जाते हैं, इसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, स्टूडेंट भी टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, अपनी बातों के का जो समस्या है अपनी बातों को रखता है और टीचर से समाधान अपना ले सकता है। तो ये था आपका ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी एंड एडुसेट, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की वीडियो में जो हम आपको देना चाहे वो मिल गया। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप लोग वीडियो पर बने हैं तो ज्ञानवाणी के बारे में थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। ज्ञानवाणी, ज्ञानवाणी का नोडल एजेंसी जो है वो है इग्नू, IGNOU, याद रखिएगा, जिसके ऊपर प्रोग्राम प्रसारण का दायित्व है या जिम्मा है, ये आपको याद रखना है। ये हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, तो याद रखिएगा नोडल एजेंसी का जो वर्क करता है वो है इग्नू, और ज्ञानवाणी का प्रसारण कितना होता है, ज्ञानवाणी का प्रसारण जो है 16 आवर होता है। कब? 6 AM to 12 आपका PM फर्स्ट शिफ्ट, एंड आपका सेकेंड शिफ्ट में 1 PM to 11 PM, ये रात का हो गया। ओके, तो ये दो चीज़ें आपका ये याद रखना है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक ये प्रोग्राम प्रसारित करता है 16 घंटे आपका कौन, ज्ञानवाणी। तो चलिए फ्रेंड, जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।